ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ दोस्तों आपके लिए जो बजाज आरी कॉम्पैक्ट 4S है उसका आप ये एक्चुअल लुक देख रहे हैं, एक्चुअल शोरूम लुक देख रहे हैं। जैसे कि आप जो इसका कलर है वो देख रहे हैं तो पिंक पे दिया गया है, तो स्पेशली ये जो लेडीज़ हैं जो ऑटोज़ वगैरह चलाना चाहती हैं तो उनके लिए ये कंपनी ने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो सारे आपको इसमें इसका इंटीरियर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो इसकी फ्रंट प्रोफाइल है वो आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने नॉर्मल ऑटोज़ देखे हुए हैं बजाज आरी के, जैसे ग्रीन कलर के जो ऑटोज़ चलते हैं ग्रीन येलो, तो वैसे ये पूरा पिंक दिया गया है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखते हैं तो पहले इसका जो हेडलैम्प्स है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे तो राउंडेड शेप हेडलैम्प्स प्रोवाइड किए गए हैं। बजाज आरी की जो ब्रांडिंग है वो आप देख रहे हो यहाँ पे क्रोम पे दी गई है। नीचे के जो टायर्स हैं वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो फ्रंट का मेरे हिसाब से आपको एक अच्छे से पूरा व्यू मिल गया होगा। आपका जो वाइपर है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इधर आपका जो इंडिकेटर है वो आप देख रहे हैं। अब जो इसका साइड लुक है वो आप कंप्लीट देख लो यहाँ पे, तो साइड प्रोफाइल भी आपको अच्छे से पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। जो लोग भी ये ऑटो लेना चाहते हैं, जो लोग भी लेडीज़ हैं जो ऑटो चलाना चाहती हैं उनके लिए स्पेशली ये है। तो अगर आप ये सोच रहे थे लेने के लिए, आप देखना चाहते थे तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जो साइड है वो भी दिखा दिया है। अब जो इसका बैक प्रोफाइल है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इधर आप देख रहे हैं जो कॉम्पैक्ट 4S की जो ब्रांडिंग है वो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। बाकी CNG आप देख रहे हो, CNG और पेट्रोल दोनों में ही अवेलेबल है। साथ में जो आपका टेल लैम्प है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डिज़ाइन में ऐसा कोई चेंज नहीं है, जैसे नॉर्मल ऑटोज़ आते हैं वैसे ही प्रोवाइड करेंगे जो आपने ग्रीन और येलो ऑटोज़ देखे हुए हैं। कलर चेंज कर दिया है थोड़ा सा, एक सिंबल देने के लिए कि लेडीज़ के लिए है। यहाँ पे अगर आप सीट्स देखते हैं तो वही जैसे ब्रॉड सीट्स आपने ऑटोज़ में देखी हुई हैं, फ्रंट जो आपका ड्राइवर होता है वो प्रोवाइड करा गया है। बैक रेस्ट आपको यहाँ पे दे दिया गया है। चलते हैं अंदर और यहाँ पे आप देखते हैं तो आपका जो स्पीडोमीटर है, आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, और इधर आपके जो जो आपका फ्यूल है उसका सिग्नलिंग है। बाकी जो नॉर्मल लाइट सिग्नल्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे हैं कुछ स्पेसेस हैं, बाकी इधर भी आप देख सकते हो तो स्पेसेस वगैरह प्रोवाइड कर दी गई हैं। स्टेयरिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सेवरल आपके कंट्रोल्स हैं, इंडिकेटर लाइट वगैरह के वो आपको दिए गए हैं। ये आप देख सकते हो जो हॉर्न है और भी जो कंट्रोल्स हैं। इसके अलावा जो आपके रियर व्यू हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों आप जो ये बटन्स देख रहे हैं इसका भी यूसेज आपको बता देता हूँ। तो आपका पहला तो आप ये देख रहे हो जो फ्यूल स्विचर है आपका है, मतलब कि CNG और पेट्रोल में आपको स्विच करना वो आप कर सकते हो। इधर आपका जो हैजार्ड लाइट का स्विच है वो आपको प्रोवाइड करा गया है, और एक जो आप स्विच देख रहे हैं एक्स्ट्रा कोई कनेक्शन डालना है कुछ अलग से लगाना है तो आप इससे कनेक्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे अपने ऑटो में लगाते हो। यहाँ पे पूरा जो फिनिश है वो यूज़ किया गया है, देख रहे हैं आप इधर, तो ये आपका डाइट ब्राउन बोल सकते हो आप। बाकी जो आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। मोबाइल वगैरह आप चार्ज कर सकते हो, अगर आप जो ऐप राइड्स हैं वो आप देते हो तो ज़रूरी होता है। बाकी जो आपकी चोक है वो आपको यहाँ पे दे दी गई है। अब जो इसकी रियर सीटिंग है वो देख लेते हैं। ये आप इसकी जो रियर सीट है वो देख रहे हैं, और पीछे भी कुछ स्पेसेस हैं जो दी गई हैं अपना, जो आपके कस्टमर्स वगैरह हैं उनके यहाँ जो आप लगेज वगैरह वो चाहते हो आप रख सकते हो यहाँ पे। और अंदर की जो स्पेस है वो बैठकर देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि एक कमर्शियल गाड़ी है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए है, तो यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस अवेलेबल है। 3 लोग तो आराम से ऑटो में बैठ जाते हैं, कभी कभी तो 4 लोग भी बैठा लेते हैं। बाकी आप पीछे वाली सीट से भी इसका एक पूरा व्यू ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने आपको इसका पूरा एक अच्छे से ओवरव्यू दे दिया है। जो लोग भी ऑटो लेने के बारे में सोच रहे थे, जो ये चलाना चाहते थे लेडीज़ पिंक ऑटो जो आपका ये आता है बजाज आरी की तरफ से, तो इसको आप अपने नियरेस्ट आरी शोरूम में जाकर देख सकते हो। बाकी कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट्स में, तो मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरे हिसाब से कंप्लीट आपको पूरा एक अच्छे से आइडिया लग गया होगा। तो अब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये ऑटो अच्छा लगा है, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तब तक लिए दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।